हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय। सो पहला ऑप्शन है बोहिन, सेकंड ऑप्शन है लीनियस, थर्ड ऑप्शन है हग्सली एंड फोर्थ ऑप्शन है डिवेरिस। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले की कॉन्सेप्ट आता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा टेक्निक है जिसे हम यूज करते हैं फॉर नेमिंग और गिविंग नेम्स टू एन ऑर्गेनिज्म। सो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम हर ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देते हैं, और ये जो साइंटिफिक नेम हम देते हैं इसको लिखने के कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, तो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो इसे बाइनोमियल कहा जाता है क्योंकि हर साइंटिफिक नेम में टू वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज द नेम ऑफ द जीनस टू विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स, एंड द सेकेंड वर्ड इज द नेम ऑफ द स्पीशीज टू विच दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स। So therefore, the scientific name has the name of the genus, then the name of the species, which is separated by a gap. फिर जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। फिर अगर हम इस नाम को टाइप कर रहे हैं तब वो इटैलिक्स में प्रेजेंट होगा, और अगर हम इस नाम को लिख रहे हैं जैसे हमने अभी इसे लिखा है तो तब ये नाम अंडरलाइन होगा लाइक जीनस एंड देन स्पीशीज सेपरेटली। तो ये कुछ रूल्स होते हैं फॉर नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म, एंड इस नोमेनक्लेचर को हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो दिस मेथड ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म इज वाज गिवन बाय फर्स्ट बाय कार्ल लीनियस। सो कार्ल लीनियस, द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन है बोहीन, तो बोहीन वॉज नॉट इन्वॉल्व इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सो ये हो गया इनकरेक्ट। लीनियस हमने देखा कि वॉज द वन हु प्रपोज्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सो ये हो गया करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन है हग्सली, तो हग्सली वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रपोजिंग ऑफ द न्यू सिस्टमैटिक्स मेथड और द बायो सिस्टमैटिक्स, एंड ही वॉज नॉट इन्वॉल्व विद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सो तब हक्सली भी गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन है डिवेरिस, तो हुगो डिवेरिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन पर्पसेस, एंड ही वाज नॉट इन्वॉल्व इन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सो ये भी हो गया इनकरेक्ट। तो फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लीनियस। सो हमारा फाइनल आंसर है लीनियस। Hope you understood this well. Best of luck. Thank you.